नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ईपीएफ के न्यू अपडेट के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर उमंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। अगर आपके पास उमंग ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो प्ले स्टोर में भी ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ओपन में क्लिक कर देना है। ओपन में क्लिक करने के बाद ईपीएफ के सेक्शन आपको ढूंढ लेना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईपीएफ, अगर आपके पास यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, इधर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे करके आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके पास तब भी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च की बटन दिखाई दे रहा है, सर्च में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ईपीएफओ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, सर्च बार में क्लिक कर देना है। मेरे पास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। पीएफ का कुछ भी अगर आपको काम करना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके कोई भी अपडेट नहीं दिखाई देगा, आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पासबुक, पासबुक के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपडेट जीवन प्रमाण। उसके बाद क्या करना है, उसका नीचे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड पेंशन पेमेंट ऑर्डर ईपीएस 95, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो, ऐसे न्यू पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने पीपीओ नंबर डाल देना है, मैं पहले पीपीओ नंबर डाल देता हूं। पीपीओ नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको यहां पर कैलेंडर दिखाई दे रहा है, कैलेंडर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेना है। यहाँ पर पहले साल चेंज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ चूज करना है, उसके बाद क्या करना है, डेट आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपके सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड पेंशन पेमेंट ऑर्डर ईपीएस 95। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है लास्ट 4 डिजिट लिंक बैंक अकाउंट नंबर। आपको ध्यान रखना है, जिसमें पेंशन आता है उसका जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट के 4 डिजिट आपको, लास्ट के 4 डिजिट आपको यहां पर डाल देना है। मैं यहां पर बैंक के लास्ट 4 डिजिट यहां पर डाल देता हूं। अब यहां पे देख सकते हो, मैंने लास्ट के 4 डिजिट यहां पर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो, पूरे डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नाम, ठीक है। उसके बाद यहां पे अपने मेंबर आईडी, उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो मैरिट अनमैरिट स्टेटस आपको यहां पर दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और अपने पीपीओ नंबर आपको यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो पेंशन कितना आता है। अभी फिलहाल पेंशन हर महीना जो आता है वो आप यहां पे डायरेक्ट देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आपको क्या करना है, यहां पर दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड पेंशन पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो हमारे डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरे डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूरे डिटेल्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके पास पीपीओ नंबर नहीं है, पीपीओ नंबर कैसे ढूंढना है, इस वाले वीडियो जैसे खत्म होगा आपको मिल जाएगा। पीपीओ नंबर कैसे पता करें, पीपीओ नंबर किसको मिलेगा, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद ही जाके पीपीओ नंबर आपको मिलता है, वही जाके आपको पीपीओ नंबर आपने ढूंढना है, नहीं तो ढूंढ के कोई भी फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है हमारे पीपीओ नंबर नहीं मिल रहा है। पीपीओ नंबर तभी मिलेगा जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे और आपके पेंशन आने लग जाएगा, तो ही जाके आप पीपीओ नंबर ढूंढ सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी पीपीओ नंबर ढूंढ नहीं सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।